24 न्यूज। जैसा कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 8 साल की बच्ची का, मासूम बच्ची का किस तरीके से बताया जा रहा है कि उसके साथ बलात्कार किया गया। शमशान घाट में रहने वाले पंडित बताए जा रहे हैं वो 4 से 5 लोग थे जिन्होंने खेलती हुई बच्ची किस तरह से वहाँ पहुँची कुछ नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने ये बोला कि बच्ची को करंट लगा है और उसके माँ बाप को बिना इन्फॉर्म किए उन्होंने उस बच्ची का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया। और अंतिम संस्कार इस तरीके से किया गया, जो कपड़े बच्ची ने पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों के अंदर, और सीधा चिता पर नहीं लिटाया हुआ था, बताया जाता है वो चिता पर उल्टी लेटी हुई थी, और जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। जब माँ बाप को इसकी खबर मिली और माँ बाप वहाँ पहुँचे तो उनको ये बोला गया कि आपकी बेटी को करंट लगा था, हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया शाम के 7:30 बजे। जबकि 7 बजे के बाद अंतिम संस्कार कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, लेकिन 8 साल की बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया बिना उनके माता पिता को बताए। आखिर इसका रीजन क्या रहा? बिरजू भाई, आज भी समाज अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है, वाल्मीकि समाज, दलित समाज आज भी दबाया कुचला जा रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने मौजूद है। वाल्मीकि समाज की बेटियों के साथ लगातार बलात्कार की खबरें सामने आ रही है और सरकार कहती है वाल्मीकि समाज को, दलित समाज को अपनी बराबरी में मानते हैं, कहाँ तक सच है? बिल्कुल भी कुछ भी सच नहीं है इसमें। कल वाल्मीकि समाज की लड़की को जबरन जला दिया गया है, उसे उसका ये नहीं पता लगा उसकी हत्या किस कारण हुई है, और ये बता दिया जा रहा है कि करंट लगने से कोई मौत नहीं हुई है, वो जबरदस्ती भाई क्षेत्र का केस डाल के जबरदस्ती मारी गई है वो लड़की। माँ बाप को जबरन शमशान घाट में बिठाया गया है, उनके अस्थियों को मतलब दाग दिलाने के लिए, बॉडी को जलाने के लिए जबरन बिठा दिया, और कैसे न कैसे वो लेडीज बाहर निकली और बागी बस्ती में बड़ी, अपने भाइयों के बीच में बड़ी, वे अपने भाई वाल्मीकि समाज के आए हैं और चिता को पानी पोनी डाल के अलग किया है, ठीक है, और फिर प्रशासन कहता है कि न्याय मिलेगा बिल्कुल, और उनको अब तक बंधक बना के पुलिस थाने में कल से बिठा रखा, कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सर, अगर प्रशासन ये कहता है न्याय मिलेगा, अगर प्रशासन ही टाइट हो जाए तो इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी? प्रशासन ही टाइट हो जाए तो आगे आने वाली पीढ़ी को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। ये थाने वाले जो प्रशासन है यहाँ का वो पूरी तरीके से शामिल है इसमें। तो सर, ऐसी पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसी पुलिस को प्रशासन में रहने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे प्रशासन की, ना हमें जरूरत है, ना मेरे समाज को, ना किसी भी चीज को। हम कल 7 बजे आए थे, कल 7 बजे से ही देख रहे हैं क्या रक्षक है क्या भक्षक है, हमारे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। 2 घंटे के बाद बोला था उन्होंने कि 2 घंटे के बाद हम रिपोर्ट दर्ज करके माता पिता को लड़की के उसके घर पहुंचा दिया जाएगा, पर यहाँ पे कोई नहीं आया। अब देख लो टाइम 4:05 बज गए है, अब तक उस माता पिता का कोई पता नहीं। इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी गलत काम करा है अगर करा है तो उसकी छानबीन करो और उसको सख्त सजा दी जाए, ये मैंने मांग की सचो से। तो सचो ने पूरा आश्वासन दिया पुलिस ने कि हम काम करेंगे। यहाँ पे क्या है कि कुछ जो दो चार एक BC है उसने 5-7-10 लोगों को इकट्ठा कर रखा राजनीतिक चक्कर में, ये अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ऐसे करने से उस बेचारी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। बात सिर्फ यह है कि अब इस देश के अंदर कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। हमें तो लगता है कि सबसे पहले वाल्मीकि समाज ही शुरुआत कर रहा है इस चीज की। अगर आने वाले टाइम में किसी बहन बेटी के साथ में अगर ऐसी हरकत होती है, और हमारे वाल्मीकि समाज की एक टीम बनाएंगे हम खुद ही, अगर ऐसे कुछ भी कांड होता है या तो हमारे को सूचना दे, हम जेल में जाने के लिए तैयार है, हम ऑन द स्पॉट उनको खत्म ही कर देंगे। प्रशासन क्या अगर ऐसे नहीं करेगा तो हमारे को यही करना पड़ेगा। अपनी बहनों के लिए हमें कलम की जरूरत नहीं, फिर तो हमारे को गन की जरूरत होगी, और गन चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। जो 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का एक और मामला सामने आया, क्या वाल्मीकि समाज की बेटियों को इतना नाकारा समझा जाता है कि कोई भी आता है उनके साथ कुछ भी करता है और फेंक देता है? देखो, सचमुच में बहुत दुखदायी और दर्दनाक एक कांड हुआ है। हम लोग अभी मनीषा हाथरस वाले कांड से उभर नहीं पाए थे, एक एक गुड़िया का और कांड हो गया है। मैं समझता हूँ इससे जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुकृत्य करा गया, उसके बाद उसको मार दिया गया और उसके बाद उसको जिंदा जलाने की कोशिश करी और जलाई दिया गया ताकि सबूत भी ना मिले। इसके लिए पूरा आज समाज, बहुजन समाज, दलित समाज, मूल निवासी वाल्मीकि समाज आज एग्रेसिव है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सही धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, 164 के बयान करने माता पिता को भी ले जाया गया है, और उन लोगों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, पूरी वाल्मीकि चौपाल यहाँ डटी रहेगी। जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी,
जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, ये कांड भी उन्होंने किया है। शमशान घाट में जहां अंतिम संस्कार होता है मानव का, जहां सारी अच्छाई बुराइयां खत्म हो जाती है, अगर वो भी जगह भी सुरक्षित नहीं है, जहां उस बिटिया के साथ ऐसा सब लोग बता रहे हैं कि पहले उसके साथ बलात्कार हुआ है और फिर उसको मार दिया गया, कहते हुए इस बिटिया को करंट लगा है, जबकि यहाँ जो चश्मदी गवाह है उन्होंने कहा हमने उस कूलर को हाथ लगाकर देखा, उसमें कोई करंट नहीं था। तो उसके साथ पहले इन्होंने अनैतिक कार्य किया, फिर उसको मार दिया, फिर उस पीड़ित परिवार को बुलाया कि तुम्हारी बेटी को करंट लगाया। सबूत मिटाने के भी इन पंडितों ने, इन जो शमशान घाट में जो पंडित बैठे हैं, इन लोगों ने उसके साथ दुराचार किया और उसका हत्या कर। सरकार के लिए क्या करेगी? सरकार तो ऐसे कांडों की अनदेखी करती है, और दलित समाज के तो आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, जहाँ जहाँ एक विशेष दल की पार्टियां हैं वो दलित वहाँ सुरक्षित नहीं है। सर, पुलिस का भी इसमें अहम रोल है, क्योंकि पुलिस भी अपने मनमाने ढंग से FIR लिखती है, उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ये बात कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी एक मानसिकता के लोग हैं। जब भी कोई दलितों के साथ इस तरह का होता है तो उसमें वो अनदेखी करते हैं, लापरवाही करते हैं और हमारे ही लोगों को कसूरवार ठहराते हैं। अभी जैसा इनसे बात हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत उसको चलाया गया है और बिना परिवार की सहमति के। एक कांड हाथरस में हुआ था, उसके बाद भी वही हाथरस का कांड, ये सारे कांड हमारी बहन बेटी के साथ क्यों होते हैं? मतलब बाल्मीकि समाज की बेटी के साथ, दलित समाज की बेटी के साथ ये कांड होंगे? विकास हम कल शाम से 7 बजे तक अब तक देख रहे हैं और इतने केस हो रहे हैं, ये विकास ही है। अब 7 बजे क्या विकास हुआ? जो लड़की 5 जो 7 बजे मरती है उसका लिखा जाता 5 बजे मर गई रजिस्टर में एंट्री की, और फिर उसको जला दिया गया, परिवार को बुलाया गया, परिवार मना कर रहा जलाने से लेकिन उनको जला दिया गया, और जलाने के बाद जब यहाँ के कुछ लड़के वहाँ पर पहुँचे बुझाने के लिए, तो ऐसा विकास वहाँ पर देखने को मिला कि बाल्टी से वो बुझा रहे हैं अस्थियों को और पुलिस प्रशासन उसको बाल्टी को छीन रहा है, जलने नहीं दे रहा है। और फिर ऐसा विकास हुआ कि जो आरोपी पकड़े गए उन चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, छोटा हमें उसकी जानकारी नहीं है। हम जब बाहर गए थाने में परिवार से मिलने के लिए, जब हमें पता चला कि परिवार के एक उसको जो पिता है लड़की का उसको लात मारी गई, ऐसा विकास हमें देखने को मिल रहा है। और ये विकास फिर हमने देखने को मिला जब हम उधर SHO के पास गए, वहाँ पे SCP बैठे हुए थे, SCP ने हमें मिलने नहीं दिया। इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में ये दूसरी घटना बलात्कार की, जिसको यहाँ पे इसको तो इस हद तक कर दिया गया कि रात को ही बेटी को जला के सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है। दुखद के साथ ही आक्रोश इसी वजह से कि यहाँ पे अगर किसी अमीर की बेटी होती तो शायद अब तक उसे न्याय मिल चुका होता, मगर अपने आप को देखो, औरत की इतनी बड़ी शक्ति है ना, अगर वो जब तक नहीं बचाने की कुछ नहीं हो पाएगा। जबकि इस बच्ची की बात है, ये बहुत छोटी बच्ची है और इतनी छोटी बच्ची को कहा जाता है कि दफनाया जाता है, मगर इन्होंने दफनाया नहीं, इन्होंने जला दिया है और इन्होंने बहुत बड़ा दुष्कर्म करा है। और जितना भी उसकी बॉडी पार्ट का हिस्सा बचा है तो उसका ब्लड टेस्ट हो सकता है, काफी सारे ऐसे टेस्ट है जो और कर सकती है। तो मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, अगर हम लोगों के इंसाफ के लिए आगे बढ़ते हैं तो आज इस बच्ची के इंसाफ के लिए हमारे समाज को एक होना पड़ेगा। ये मिलिट्री एरिया है, यहाँ के जितने जवान हैं उन सभी जवानों को मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने वहाँ से एक ऐसा प्रदर्शन करें कि जितना ज्यादा हो सके इस बच्ची को इंसाफ मिले। धन्यवाद जी। जैसा कि रात से यहाँ सारा समाज डटा हुआ है इस 8 साल की 9 साल की बच्ची को लेकर, अभी सुबह तक दोपहर तक भी बच्ची के इंसाफ की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही माँ अंदर थाने से बाहर आती है उनके बयान एकदम बदल जाते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इनके पिताजी ने कुछ और बयान दिए हैं और माँ ने कुछ और बयान दिए हैं, बयान दो हो रहे हैं। अब ये नहीं पता कि माँ झूठ बोल रही है या बाप झूठ बोल रहा है, ये तो वो जाने, लेकिन जो हुआ है उस बच्ची के साथ गलत हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारे देश में कोई महिला के साथ या बच्चियों के साथ कोई अगर कानून नहीं बना, तो मेरी सभी से निमन विनती है, जितनी भी मेरी मातृशक्ति है, बेटियां पैदा करना छोड़ दो। हम कोई इनके दरिंदों के लिए थोड़ी ना अपनी बेटियां पैदा करते हैं, क्या हमारी बेटियों का जरा जरा से बच्चों को नोचा जाए, खतरा जाए और फिर जलाया जाए? ये आखिर छोटे समाज के साथ ही क्यों होता है? बड़े समाज के साथ में चाहे कोई भी हो, बड़ा समाज का कोई भी बेटी बेटी होती है, पूरे समाज की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। हम हर एक बेटी के लिए ये आवाज उठाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी ऐसा अत्याचार होगा हम वहाँ हर हाल में जाएंगे और अपनी बहन बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे। आंटी जी, आपकी बेटी के साथ किन दरिंदों ने ये हरकत की?
अरे भाई बेटी को ना जल रहा था मेरे बेटी क्या बोल रहे हाथ जलाया हुआ था करंट आपकी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया आपसे पूछा गया था हम कह रहे हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे जी तो बिन्ने बोली कि पुलिस से कहें कंप्लेन मत करो ज्यादा रार बढ़ जाएगी आप सो खाना खा लो मैं सब पंडित जी हम नहीं खाएंगे खाना आप जाके घर में चुपचाप सो जाइए और सुबह 7 बजे आके और 8 बजे तुम्हारी बच्ची के फूल चुगवा के जमुना जी में बहा देंगे नहीं जी पैसे को एक लालच हमें नहीं लिया आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है नहीं लाड दे जलिए जी मेरी बेटी नहीं, आपको क्या लगता है बेटी का बलात्कार किया गया है नहीं जी आपको नहीं आपका डॉक्टरी डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है जब मिलेगा ना जब आप अपने बयान पे अटल रहेंगी आप बयान बदलेंगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा बयान नहीं बदलेगी आप सच बताओ हुआ क्या है तुम बिल्कुल मटर का कुछ भी होता आप बोलो ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा बेटी के नौ निशान कर्म का कितनी बॉडी बच्ची आप क्या कहेंगे अगर बयान बदले जा रहे हैं तो किस वजह से बदले जा रहे हैं जी इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है आप ये देख सकते हैं संसद घाट का जो भी एक टेंडर जो लेता है ठीक है हमने उस लड़की की वीडियो देखी उस लड़की के सिर्फ पैर थे हाथ कहाँ से इसने देखा लड़की जिस समय पहुंची आप देख सकते हैं इनके हस्बैंड ने भी बयान दिया जब वो पहुंचे पूरी लड़की जल चुकी थी सिर्फ एक पैर थे जो पैर की वीडियो अभी और किसी भाई के पास होता है वो वीडियो दिखा मेरे भाई आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी को इंसाफ मिले आप चाहते हो कि इंसाफ मिले मेरी बेटी के साथ में करंट पकड़ा बताया जा रहा है वो सिर्फ करंट लगने से मरी अगर करंट लगने से मरती तो उसकी डेथ बॉडी उसके माँ बाप के हवाले कर देनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जल्दबाजी में बलात्कार उस लड़की का जो है वो वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया गया लेकिन कहा यह जा रहा है कि बेटी के साथ उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है जब पुलिस ने दबाव बनाया उन लोगों को अपने थाने में बंद करके उनसे पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि हाँ हमने बलात्कार किया था और इसीलिए हमने उसको जल्दबाजी में जला दिया ताकि सारे सबूतों को मिटाया जा सके वाल्मीकि समाज दलित समाज पूरे जोरों शोरों से पूरी रात से यहाँ डटा हुआ है इस बच्ची के इंसाफ को लेकर माँ बाप को कल रात से ही थाने में बैठाया हुआ था और आज जब माँ बाप बाहर निकले हैं थाने से शाम के 4 से 5 बजे के बीच में तब बाहर आते ही अचानक एक नया मोड़ सामने ये आता है कि बच्ची के जो पिता है वो कहते हैं कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए लेकिन जैसे ही बच्ची की माता बाहर आती है तुरंत आकर वो बाहर ये कहती है कि बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ है वो सिर्फ करंट लगने से मरी है आखिर ऐसा क्यों क्या बच्ची के माँ बाप के साथ दबाव बनाया गया या उनको पैसों का या किसी चीज का लालच दिया गया जब सुबह तक माँ बाप यही गुहार लगा रहे थे कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए एक ही दम से बाहर आते ही थाने से बाहर आते ही माँ के बयान बदल जाते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ समाज के अंदर इस बात को लेकर काफी आक्रोश है क्योंकि कल रात से ही पूरा समाज यहाँ बैठा है बारिश में भीगते हुए भूखे प्यासे पूरे समाज के लोग सभी दलित समाज के लोग यहाँ बैठे हैं ताकि बेटी को इंसाफ मिल सके बावजूद इसके एकदम से लड़की की माँ के बयान बदल जाते हैं पूरी कहानी अभी साफ नहीं हुई है कैमरामैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल ओपन चैलेंज 24 न्यूज़ नंगली गांव